कानपुर हादसे में ड्राइवर की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि वो नशे की हालत में ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहा था। आज तक से खास बातचीत में कानपुर के डीएम विशाख डी अय्यर ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीएम कानपुर विशाख जी। विशाख जी, बेहद दर्दनाक इंसिडेंट है, श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है। आप लोग रात से पूरा इंसिडेंट देख रहे हैं, क्या अपडेट है सर? इस दुखद घटना में कुल 26 लोगों की मृत्यु हुई है और रात को ही, चूंकि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तो इसी की वजह से हम लोगों ने CHC भीतर गांव में 11 डॉक्टर्स की टीम बुला करके पोस्टमार्टम की पूरी कार्रवाई रात को ही कराया गया था और सुबह तक गांव में बॉडी पहुंचाया गया था। अभी गांव से अभी अंत्येष्टि के लिए बॉडीज रवाना हुए हैं। कब तक गांव से सारे आपको लगता है कि अंत्येष्टि का कार्यक्रम पूरा? अभी कुछ 3-4 बॉडीज अभी बचे हुए हैं, उनका भी अभी प्रस्थान होने का कार्य चल रहा है और अभी जो फर्स्ट हमारे जो बैच निकल चुके थे सुबह, वो लगभग पहुंचने वाला है। सर, गांव वालों ने बताया कि जो ड्राइवर था वो शराब पिए हुए थे, ठेके पर गाड़ी रुकी भी थी, उसको लेकर सर क्या? देखिए, जितने भी बिंदु हैं उसके संबंध में जांच किया जाएगा। अभी सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी थी वो इमीडिएट हमारी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म थी, उसके बाद जो भी बिंदु हैं उसके संबंध में जांच करके कार्रवाई। उसका आरोप सर ये भी है कि समय पर मदद नहीं पहुंची, इवन मोटरसाइकिल पर कुछ शवों को ले जाया गया। जो अलग अलग जो गाँव के लोगों के साथ कल विस्तार में बात हुई थी, जिन जिन बिंदुओं के संबंध में उन्होंने बात किया था, जिन बिंदुओं को उन्होंने उठाया, उसके संबंध में विस्तार में जांच करके जिम्मेदारी फिक्स करके कार्रवाई सुनिश्चित। आपके सवाल, CM ने भी निर्देश दिया है कि ट्रॉली पर आप लोग सफर ना करें, आपका क्या कानपुर जिले को लेकर आप क्या कुछ स्टार्ट करेंगे कि ये चीज अवॉइड हो कि ट्रॉली पर इतने सारे लोग ना जाएं? देखिए, अब एक घटना कल रात को हुई है और इमीडिएटली हमारा जो प्रायोरिटी है, जिसे मैंने कहा है कि जो घायलों को इलाज सुनिश्चित कराना और मृतकों के जो परिवार हैं उनको हर संभव मदद पहुंचाना, हमारे पूरे टीम कल रात से इसी में लगे हुए हैं। जो बिंदु जितने भी निर्देश हैं उसके संबंध में हम लोग इस पूरे प्रक्रिया के बाद कार्रवाई सुनिश्चित। आपके सवाल, जो ड्राइवर अभी फरार है अभी उसके संबंध में जांच चल रही है। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ DM कानपुर, इन्होंने साफ बताया है कि लगातार कार्रवाई चल रही है और वैसा भी निर्देश सरकार की तरफ से आ रहा है, उसका यहाँ पर पालन किया जा रहा है। कैमरामैन रोहित समाज श्रीवास्तव, कानपुर आज तक।